श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ षष्ठोध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूय प्रपच्छ तं ब्रह्मन व्यास सत्यवती सुतः। व्यास उवाच भक्षुर्भिर् विप्रसिते विज्ञानाद्रेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याधे ततः किं करोत् भवान्। स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वय कथं चेदमुदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरं। प्राकल्प विषयामेतां विस्मति ते सुरसत्तम नहेय व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुर्भिर्वि प्रवसिते विज्ञानादेष्ट भीर्मम वर्तमानो वयस्याध्ये तत एतद कारशम। श्री सूत जी कहते हैं शौनक जी देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा नारद जी जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया। उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया। देवर्षे काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्वकल्प की स्मृति कैसे नाश नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढ़ा च किं करी मयात्मजे न्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम शाश्वतंत्रा न कल्पा सिद्ध्योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयि यथा अहम च तद्भव्यकुले ऊषिवास्तदपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालक पंचहायन एकदाम निर्गताम गेहा दुहंतीम निशिकाम पथि सर्पोदशत पदा स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः तदा तदमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरान् स्थितांजन पदास्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेट करवट वाटिश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रि निभ भग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् शिव जलान् नलिनी सुरसेवितः चित्रस्वनेह पत्र रथे विभ्रमद भ्रमरस्यः नल वेणु शरस्तंब कुशकीचक गव्यरम एक एवी तातोहं द्राक्षं विपिनं महत घोरं प्रतिभयाकारं व्यालुलूक शिवाजिरम। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मोड़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा कोई और सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है वैसे ही सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली
रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया, उस बेचारी को उसने डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ही ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौंरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उनकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, स्यार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। परिश्रांतेन्द्रियात्माहं त्रट्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदयेनद्या उपस्प्रष्टो गतश्रमः तस्मिन्नर्मनुजैरण्ये पिपलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मनामात्मनस्थं यथाश्रुतं चिन्तयं ध्यायतश्चरणाभोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कंठ्या श्रुकलाक्षस्य हृदयासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोऽतिनिर्वृतः आनंद संप्लवे विनिलीनो नापश्यं मुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन मनकांतं शुचापहं अपश्यन सहसोस्तस्थे वैकल्यार्दुर्मना इव दीर्दृक्षस्तदहं भूयः प्राणिधाय मनोरथि वीक्ष मानोऽपि नापश्यं वितृप्त इवातुरः एवं यततं विजने मामाहागोचरो गिरां गंभीरश्च लक्षणावाच शुचः प्रशमयेन्निव हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मा द्रष्टुर्मिहार्हति अविपक्वशायाणां दुर्दशे दुर्दशोऽहं कुयोगिनां सुकृत यद् दर्शितं रूपमेतत् कामाय तेनघ मत्काम शनकहे साधु सर्वामुंचति रचयाम। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछल आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु हृदय मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन मन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिसकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों का मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है।
निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। सत्सेव या दीर्घया ते जाता मयी दृढ़ामति हित्वा वध्यमिमं लोकम गंता मज्जन तामसी मतिर्मयी निबद्धेयम न विपद्येत कहिर्चित प्रजासर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महद भूतं नलो लिंग मलिंगमीश्वरम् अहम् च तस्मै महता महीयसे शीर्ष्णावनामं विधेनुकंपितः नामान्यन्तस्य हतत्रपः पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण गां पर्यंत स्तुटमना गतस्प्रह कालं प्रतीक्षन विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेन ब्रह्मन्न सक्त श्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडित्सोदामनीयथा प्रयुज्यमाने मयिं तां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिक कल्पांत इदमादाय शयानेभ्य स्युन्दन्वतः शिशयीशोर नु प्राणं विवशे अंतरहं विभोः सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं सिसृक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जगिरे अंतर्वैश लोकांस्त्रीन् पर्येमस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महान् विष्णोर् विघातगति क्वचिद। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्प्रहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौन जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिसमें भगवान नारायण एकार्ण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठादि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवज्जन अखंड रूप से चलता रहता है। देवदत्तामिमां वीणा स्वरब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद श्रिय प्रिय श्रवः आहूत मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यस्मादिभिर्योगपथे कामलोपहतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्व तथात्माद्धान शाम्यति सर्वतदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्मकर्म रहस्यं मे भवत्
भवत्सात्मतोषणम्। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवीसुतम् आमंत्र्य वीणा रणयन ययो यादृच्छी को मुनिः अहो देवर्षि धन्योऽहम् यत्कीर्तिं शारंग धन्वन गायन माध्य निदम तंत्रया रम यत्यातुरम जगत। इति भगवान की दी हुई इस ब्रह्म स्वर से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है बुलाए हुए की ही भांति मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी आप निष्पाप हैं। आपने उससे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा ये देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि ये शारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंदमग्न होते ही हैं साथ साथ स्त्री ताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठोध्याय संपूर्णम्। ओ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।